वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, टुडे वी आर स्टडिंग अबाउट द नेक्स्ट पॉइंट ऑफ सॉल्यूशंस एंड क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज। अब तक जहाँ जो देखा था हमने, उसमें मोलारिटी और मोल फ्रैक्शंस की बातें हमने कर ली थी। इसके आगे हम लोग बात करने वाले हैं कि जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, नॉर्मलिटी है, मोलारिटी है, ये सब चीज़ें हम आगे बढ़ने वाले हैं। मोलारिटी जैसे देखा था आपने कि पिछली क्लास में, मोलारिटी इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट पर यूनिट वेट ऑफ द सॉल्वेंट। सॉल्वेंट का जितना वेट प्रेजेंट है, उस वेट को अगर हम केजी में लेंगे, तो बिहाइंड एवरी केजी ऑफ सॉल्वेंट द अमाउंट ऑफ नंबर ऑफ मोल्स जितने भी प्रेजेंट होंगे उसको आप डिफाइन करोगे एज दी मोलारिटी। नाउ इसके बाद एक बहुत मेन कॉन्सेप्ट आती है, दैट इज कॉल्ड एज नॉर्मलिटी, जिसको हम जानते हैं नॉर्मलिटी के नाम से। अब नॉर्मलिटी क्या होती है पहले समझ लो। नाउ व्हाट इज नॉर्मलिटी, अगर डिफाइन करना चाहे तो इसको हम डिफाइन कर सकते हैं कि इट इज़ द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। कितने ग्राम इक्विवेलेंट्स प्रेजेंट, इसको डिफाइन करता है पहले। देखो, इट इज़ द नंबर ऑफ, ठीक है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स, ग्राम इक्विवेलेंट्स प्रेजेंट पर डीएम क्यूब ऑफ सॉल्यूशन। मतलब 1 लीटर में कितने ग्राम इक्विवेलेंट्स प्रेजेंट हैं, इसको बोलते हैं नॉर्मलिटी। नाउ व्हाट इज ग्राम इक्विवेलेंट, ये हम देखेंगे एक बार। अब कई बार, अच्छा ये टॉपिक मैं क्यों एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बिकॉज कई बार एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछ लेता है कि डिफाइन द रिलेशन ऑफ नॉर्मलिटी विद मोलारिटी, तो वो भी कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेते हैं। सो फॉर दैट वी हैव टू स्टडी फर्स्ट ऑफ ऑल कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नॉर्मलिटी। नॉर्मलिटी देखा आपने कि इट इज नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट प्रेजेंट पर डीएम क्यूब ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, डीएम क्यूब को इन वेरी इजी लैंग्वेज वी कॉल्ड एज लीटर। डीएम क्यूब जो है वो सेम होता है लीटर की तरह, लीटर के जो वॉल्यूम है वो सेम रहेगी एज डीएम क्यूब। सो 1 लीटर इज इक्वल टू 1 डीएम क्यूब। ठीक है, समझ में आ गया, डिफाइन कर लोगे अभी, डेफिनेशन ऑफ नॉर्मलिटी खत्म हो गई, बस इतना ही है। अच्छा, अब इसके बाद देखते हैं कि नॉर्मलिटी का फर्स्ट ऑफ ऑल डिनोट कैसे करता है इसको। सो नॉर्मलिटी को हम डिनोट करते हैं बाई लेटर एन, एन से हम शो करते हैं इसको। ठीक है, फार्मूला अगर मैं इसका बनाऊँ तो नॉर्मलिटी का फार्मूला क्या होगा, नॉर्मलिटी विल बी इक्वल्स टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स। ठीक है, कितने ग्राम इक्विवेलेंट डिजॉल्व हैं और किस में डिजॉल्व हैं, तो इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन डिवाइड कर देंगे इसको वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन से, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो भी होगा इन लीटर्स में, लीटर्स में जो वॉल्यूम होगा उसमें हम इसको कैलकुलेट करते हैं कि 1 लीटर में कितने ग्राम इक्विवेलेंट डिजॉल्व हैं। ठीक है, अब डेफिनेशन देख लो बच्चों कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। एक बार समझ लो कि डेफिनेशन क्या होती है। ग्राम इक्विवेलेंट जो होता है स्टूडेंट्स, इसको हम डिनोट करते हैं बाई लेटर ई, स्मॉल ई से हम शो करते हैं। जैसे हम नंबर ऑफ मोल्स को एन लिखते हैं, स्मॉल एन लिखते हैं, वैसे ग्राम इक्विवेलेंट को हम ई से शो करते हैं। अब ये ई को डिफाइन ऐसे किया जाता है कि इट इज़ द मास ऑफ सॉल्यूट, जितना उसका मास होगा सॉल्यूट का, अपॉन द इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट से आपको इसमें डिवाइड करना पड़ेगा। ओके, अब इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, नो व्हाट इज़ द इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट जो होता है बच्चों, इसको हम कैलकुलेट करते हैं बाई मॉलिक्यूलर वेट। मॉलिक्यूलर वेट से हम डिफाइन कर देते हैं इसमें, यू कैन से लाइक एक्स फैक्टर बोलते हैं उसको, और यू कैन से लाइक इक्विवेलेंट वेट को, ठीक है, एक्स ठीक है बोल लो कुछ देर के लिए। तो मॉलिक्यूलर वेट लिखा आपने अपॉन एक्स। अब ये एक्स जो है, इस एक्स की तीन तरह से डिफाइन होता है एक्स। व्हाट इज एक्स, अगर मान लो कि आपका जो कंपाउंड है वो एक एसिड है, तो उस एसिड के लिए हम यूज़ करते हैं बेसिसिटी। मतलब कितने एच प्लस के आयन वो देगा, जितने देगा, मान लो अगर एक देगा तो एक्स की वैल्यू 1 हो जाएगी। मान लो अगर आपके पास में बेस है, इफ़ यू टेकन बेस, तो उसकी एसिडिटी कितनी होती है, कितने OH- के आयन वो देगा। पर मान लो अगर आप किसी रिएक्शन में अगर बात कर रहे होंगे, तो उस रिएक्शन में चार्ज का ट्रांसफ़र कितना हो रहा है, ठीक है, चार्ज ट्रांसफ़र कितना हो रहा है,
इस पर डिपेंड करता है। वैसे चार्ज ट्रांसफर वाली कॉन्सेप्ट शायद आप समझ नहीं पा रहे होगे, बट सामने कुछ क्वेश्चन आएंगे तो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। बट मान लो किसी रिएक्शन में अगर पहले मान लो अगर एक एटम था, इसके पास ठीक है मान लो कि इलेक्ट्रॉन थे, इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन थे पहले मान लो, अब इसने इसमें लूज कर दिए और इसके पास बाद में बच गए से 3 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर जो डेल्टा एन जो आया है चार्ज में जो चेंज आया है, दैट इज दैट चेंज ऑफ चार्ज इज 2, तो एक्स की वैल्यू यहाँ पर 2 हो जाएगी। तो जितना चार्ज का ट्रांसफ़र हुआ है, जितना चार्ज जो है इससे हटा के किसी और को ट्रांसफ़र कर दिया, दैट इज़ द वैल्यू ऑफ एक्स। तो इस तरीके से आप डिफाइन कर सकते हो एक्स को। ओके नाउ अब देखो क्या होता है। सी जैसे देखो इसको हमें यहाँ पुट कर देना है, सिंस वी नो दैट की नॉर्मलिटी जो है, नॉर्मलिटी इज नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स, ठीक है। तो हम डिनोट करते हैं बाई लेटर ई एंड वॉल्यूम हमें चाहिए था इन लीटर्स में। सो इन लीटर्स यू हैव यू वांट वॉल्यूम। अब ये आपका हो गया, बट आपका यू हैव जस्ट फाउंड द वैल्यू ऑफ स्मॉल ई। स्मॉल ई हम कैसे निकालते हैं? सो इट इज़ फाउंड बाई दी फॉर्मूला ऑफ मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। तो इसको हम रिप्लेस कर देंगे। अच्छा, इसको हम ऐसा बोल सकते हैं कि वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट है। इक्विवेलेंट वेट का शॉर्ट फॉर्म लिखा होता है EQ.W से लिखा होता है। यू कैन से कि ये वैल्यू ऑफ ई जो है ये होगी वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट हो गई। इक्विवेलेंट्स का नंबर जो है वो आपने रिप्लेस कर दिया इससे, वेट अपॉन इक्विवेलेंट से रिप्लेस कर दिया आपने। अब वॉल्यूम जो है वो इन लीटर्स में था, इसमें कोई चेंज नहीं करना है, इट इज़ सेम। तो अब ये हो जाएगा आपका वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट और साथ में मल्टीप्लाई होगा आपका वॉल्यूम इन लीटर। तो ये इसका फॉर्मूला ऐसा होता है। अब वन मोर थिंग इज देयर, अब मान लो कि वॉल्यूम जो है वो आपको ml में दिया हुआ है। इफ़ वॉल्यूम इज गिवन इन ml, यू नो दैट कि एक लीटर जो है, वन लीटर जो है ये होता है आपका 1000 ml होता है। कई बार ठीक है आपको वॉल्यूम जो है वो cm क्यूब में दिया होता है, तो cm क्यूब और ml दोनों सेम, मतलब दोनों इक्विवेलेंट यूनिट है, दोनों की वैल्यू सेम आती है। इफ़ देर इज़ 1 ml ऑफ वॉल्यूम, इट इज़ सेम एज 1 cm क्यूब ऑफ वॉल्यूम। दोनों 1 cm क्यूब और 1 ml दोनों सेम होते हैं। तो नॉर्मलिटी जो है, आपकी नॉर्मलिटी आ गई थी इस तरीके से, वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट इनटू वॉल्यूम इन लीटर्स था। अब वॉल्यूम जब लीटर्स में लिखा है, तो इसको जब मैं डिवाइड, लीटर्स को अगर मैं डिवाइड करूँगा इन दी ml, तो मुझे इसको मल्टीप्लाई करेगा 1000 से। सो व्हेन आई डिवाइड, मान लो कि मुझे अगर 5 ml का वॉल्यूम दिया होगा, ठीक है, मान लो उसे दिया है कि वॉल्यूम 5 ml का है, तो जब मैं इसे कन्वर्ट करूँगा इन लीटर्स, तो क्या होगा, 5/1000 होगा। तो जितना वॉल्यूम दिया रहेगा मुझे उसको अपॉन में 1000 कर दूंगा, तो जो 1000 अपॉन नीचे में आएगा, दैट विल गो आफ्टरवर्ड ऑन दी न्यूमरेटर, तो ये ऊपर चला जाएगा। तो 1000 को ऊपर लिख लो, देन 1000 इंटू डब्ल्यू डिवाइड बाई इक्विवेलेंट वेट इंटू वॉल्यूम। अब ये वॉल्यूम जो है वो ml में है, समझ में आ रहा है? तो ये दो ऐसे फॉर्मूले बन जाते हैं इसके नॉर्मलिटी के। नॉर्मलिटी को जो 1000 इंटू वेट डिवाइड बाई इक्विवेलेंट वेट इंटू वॉल्यूम इन ml, ठीक है। अब क्या होता है कि देर इज सम टाइप ऑफ क्वेश्चन जहाँ पर मोलारिटी का और नॉर्मलिटी का रिलेशन पूछता है कि नॉर्मलिटी को आप लोग एक्सप्रेस कीजिए इन टर्म्स ऑफ मोलारिटी। ओके, तो गाइस एंड वन मोर थिंग इज देयर, जिस भी फॉर्मूले के अंदर में वॉल्यूम वाली टर्म आती है, आपको पता है कि वो वॉल्यूम वाली टर्म वाला फार्मूला हमेशा टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा। सो दिस नॉर्मलिटी इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, ठीक है। ये भी जो है ये फंक्शन है टेम्परेचर का, अगर टेम्परेचर अगर चेंज होगा तो नॉर्मलिटी भी क्या होगी, चेंज हो जाएगी, बिकॉज ऑफ कि वॉल्यूम जो है वो बढ़ेगा। विद टेम्परेचर वॉल्यूम इंक्रीजेस, सो देयरफॉर व्हेन टेम्परेचर चेंजेस वॉल्यूम चेंज होता है। और क्योंकि वॉल्यूम चेंज हो गया, तो क्योंकि वॉल्यूम पर नॉर्मलिटी डिपेंड करती है, देयरफॉर नॉर्मलिटी ऑल्सो चेंजेस, ठीक है, नॉर्मलिटी यहाँ बदल जाएगी। ओके नाउ, ओके सो नेक्स्ट पार्ट इज कि इसका यूनिट क्या होता है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ नॉर्मलिटी। तो नॉर्मलिटी का यूनिट जो है ये होता है इक्विवेलेंट्स, और यू कैन से ग्राम इक्विवेलेंट पर डीएम क्यूब, पर डीएम क्यूब बोल दो या फिर पर लीटर बोल दो, ना एक ही बात है। सो ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर भी कई बार लिखा होता है पर लीटर, ये दोनों इसके यूनिट्स होते हैं नॉर्मलिटी के यूनिट्स। इस ग्राम पर ग्राम इक्विवेलेंट पर डीएम क्यूब होगा या फिर ग्राम इक्विवेलेंट पर
लीडर्स भी कई बार लिखा होता है, ठीक है। अब देखो बच्चों क्या होता है, क्योंकि मोलारिटी जो है, ना मोलारिटी पे आते हैं एक बार जरा स्टूडेंट्स। मोलारिटी क्या होती है, मोलारिटी इज वेट, सॉरी यू कैन से लाइक नंबर ऑफ मोल्स पर वॉल्यूम होता है इन लीटर्स में। अब नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं बच्चों, तो नंबर ऑफ मोल्स जो होते हैं ये होते हैं वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट डिवाइड बाई वॉल्यूम हो जाएगा, ओके। मॉलिकुलर वेट को नीचे लेके आ जाओ तो ये हो जाएगा वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट इंटू वॉल्यूम हो जाएगा, ठीक है। इसको बोल दो इक्वेशन नंबर वन, ओके, और यू कैन से इक्वेशन नंबर टू बोल सकते हैं इसको, या फिर वन बोलते हैं फिलहाल तो भी कुछ देर के लिए। और अभी देखा था आपने कि नॉर्मलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ नॉर्मलिटी, नॉर्मलिटी इज इक्वल्स टू इक्विवेलेंस अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। मोलारिटी क्या था, नंबर ऑफ मोल्स पर वॉल्यूम था, नॉर्मलिटी क्या होती है, इक्विवेलेंट पर वॉल्यूम होती है, और यू कैन से ग्राम इक्विवेलेंट पर वॉल्यूम होता है, बट आप शॉर्ट में उसको इक्विवेलेंट भी बोल सकते हो, इक्विवेलेंट पर वॉल्यूम लिखा दिया, ठीक है। अब इक्विवेलेंट क्या होता है, इक्विवेलेंट इज द वेट पर इक्विवेलेंट वेट डिवाइड बाय वॉल्यूम होगा, ओके। अब इसको नीचे लेके आ जाओ तो ये हो जाएगा आपका वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट इनटू वॉल्यूम हो जाएगा, बट यू नो दैट कि इक्विवेलेंट जो है, इक्विवेलेंट वेट जो होता है ये इक्वल रहेगा मॉलिकुलर वेट डिवाइड बाय एक्स, और मतलब एक्स फैक्टर की तरह बोल सकते हो इसको आप। अब क्योंकि ये जो भी फैक्टर होगा, आप इक्विवेलेंट वेट को रिप्लेस कर दोगे इस चीज़ से, ठीक है। सो दिस इज नॉर्मलिटी क्या हो जाएगी आपकी, सो नॉर्मलिटी इज इक्वल टू क्या होगा आपका, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाय एक्स इनटू वॉल्यूम हो जाएगा, ठीक है। सिर्फ इसको रिप्लेस किया मैंने इस चीज़ से, इससे रिप्लेस किया और कुछ बहुत बड़ी बात नहीं की है, रिप्लेस कर दिया। अब ये x ऊपर जाएगा, सो व्हाट विल हैपन, x इनटू, ये x है और ये इनटू है, वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट इनटू वॉल्यूम आ जाएगा। अब ये चीज़ क्या थी, सो फ्रॉम इक्वेशन वन यू कैन सी दैट की आपकी मोलारिटी थी, सो व्हाट नॉर्मलिटी इज देयर, नॉर्मलिटी क्या जाती है आपकी, नॉर्मलिटी इज इक्वल टू आ जाता है तो ये x मल्टीप्लाइड बाय मोलारिटी, ठीक है, x मल्टीप्लाइड बाय मोलारिटी हो जाती है आपकी। बात समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ, इन शॉर्ट में नॉर्मलिटी जो है ये होता है x टाइम्स ऑफ मोलारिटी। अब कई बार क्या होता है कि बच्चे x याद करने में कई बार दिक्कत आती है बच्चों को, सो व्हाट वी कैन रिलेट x विद, आप x की वैल्यू यहाँ से भी निकाल सकते हो कि द वैल्यू ऑफ x विल बी इक्वल्स टू मॉलिकुलर वेट डिवाइड बाई इक्विवेलेंट वेट, समझ रहे हो। यहाँ से आपने निकाला कि x जो है वो होता है मॉलिकुलर वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट होता है, x को यहाँ भेज दो और इस वेट को नीचे कर रहा हूँ। तो देयरफॉर कई बार नॉर्मलिटी ऐसे भी लिखी होती है कि नॉर्मलिटी इज इक्वल्स टू मोलारिटी इनटू मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाय इक्विवेलेंट वेट, तो ये फॉर्मूला होता है, ओके। शायद कुछ समझ में आपको आया होगा, एक बार दोबारा देखना वीडियो को, अगर समझ में नहीं आया तो समझ जाएगा, ओके। तो ये था कि नॉर्मलिटी क्या होती है, ठीक है। नॉर्मलिटी अगर एक बार दोबारा शॉर्ट में रिवाइज कर दूँ मैं, देखो नॉर्मलिटी क्या होती है, नॉर्मलिटी इज इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। मोलारिटी इज नंबर ऑफ मोल्स पर वॉल्यूम, ठीक है। अब नॉर्मलिटी में जो इक्विवेलेंट लिखा था, इक्विवेलेंट क्या था आपका, वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट डिवाइड बाय वॉल्यूम था। मोलारिटी के अंदर में नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं, वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट होते हैं, ओके, अपॉन में वॉल्यूम था, दोनों नीचे आ जाएंगे यहाँ पे, तो वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट इनटू वॉल्यूम आ गया, और यहाँ पर मोलारिटी में क्या आ गया, तो वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट इनटू वॉल्यूम आ चुका है। ये टर्म सिर्फ नीचे आई यहाँ पे, और ये मतलब पूरा न्यूमरेटर में का वेट रहेगा। अब क्या होता है बच्चों की यहाँ पर टर्निंग पॉइंट आता है कि इक्विवेलेंट जो होता है, इक्विवेलेंट वेट जो होता है, और यू कैन सिंपली लाइक आप इसको ऐसे भी मतलब पुट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, ऐसे ही रहने दो। नाउ अब ये देखना है, देखो अब नंबर ऑफ नॉर्मलिटी को हम ऐसा बोल सकते हैं कि वेट अपॉन वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय इक्विवेलेंट वेट है करके बोल सकते हैं ऐसा, एंड मोलारिटी को ऐसा बोल सकते हैं कि वेट अपॉन वॉल्यूम इनटू वन अपॉन मॉलिकुलर वेट है, सही बात है। अब ये पार्ट दोनों में कॉमन दिख रहा है, ओके। अब इसको इक्वेशन वन बोल दो, इसको इक्वेशन टू बोल दो, दोनों को डिवाइड कर दो, सो वन डिवाइडेड बाई टू जब करोगे तो क्या मिलेगा आपको, नॉर्मलिटी डिवाइड बाई मोलारिटी इज इक्वल्स टू आ जाएगा आपका कि वन अपॉन इक्विवेलेंट वेट डिवाइड बाय वन अपॉन मॉलिकुलर वेट। अभी पूरा ऊपर जाएगा,
सो ये क्या हो जाएगा फिर, ये हो जाएगा आपका नॉर्मलिटी अपॉन मोलैरिटी इज इक्वल्स टू मॉलिकुलर वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। अब इस मोलैरिटी को उस तरफ लेके चले जाओ तो ये हो जाएगा आपका कि नॉर्मलिटी इज इक्वल्स टू मोलैरिटी इंटू मॉलिकुलर वेट डिवाइड बाई इक्विवेलेंट वेट। तो अल्टीमेटली आपने ये फॉर्मूला याद करना, एग्जाम में डिराइव करने पूछते हैं कई बार। आई हैव एक्सप्लेन्ड इट। ओके, अब बच्चों क्या होता है कई बार एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछ लेते हैं, मतलब पूछते हैं नहीं ऐसे, मतलब कई बार सवाल उठता है बच्चों के मन में कि यार कौन सा वाला कॉन्सेंट्रेशन टर्म अच्छा होता है ना। अगर आपसे पूछा जाए कि यार मोलैरिटी वाला टर्म्स अच्छा होता है, मोलैरिटी बेटर है या मोलैलिटी बेटर है, तो आप लोग क्या बोलोगे, व्हाट इज़ बेटर। अब मोलैलिटी क्या होता है, व्हाट इज़ मोलैलिटी, मोलैरिटी जो है ये होती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम इन लीटर। व्हाट इज़ मोलैलिटी, ये होता है नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वेट इन केजी, ठीक है, वेट इन केजी। अब बच्चों क्या होता है कि जो भी चीज़ में वॉल्यूम आता है दैट इज़ ए टेम्परेचर डिपेंडेंट क्वान्टिटी, ठीक है, जहाँ भी वॉल्यूम आएगा पिक्चर में, क्योंकि वॉल्यूम जो है वो वैरी करता है विद टेम्परेचर, तो इट इज़ ए टेम्परेचर डिपेंडेंट क्वान्टिटी। अभी डिपेंड करेगी टेम्परेचर के ऊपर में, अगर मान लो अगर आपका टेम्परेचर चेंज हो गया तो मोलैरिटी विल ऑल्सो भी चेंजिंग, बट वेट तो चेंज नहीं, वेट डिपेंड नहीं करता टेम्परेचर पर, वेट इज टेम्परेचर इनडिपेंडेंट, टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करेगा, इनडिपेंडेंट रहेगा, इनडिपेंडेंट। सो देयरफॉर व्हेन वी कंपेयर फॉर दी एक्यूरेसी, जब आप एक्यूरेसी की बात करते हो ना तो यू हैव टू गो विद दी मोलैलिटी, क्योंकि यहाँ पे देर इज नो टेम्परेचर डिपेंडेंस हियर, ये चेंज नहीं होगा वाले भी टेम्परेचर। ओके, समझ में आ गया। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक विच यू शुड अंडरस्टूड इज, हमें और क्लासिफिकेशन करना पड़ता है सॉल्यूशंस का। सॉल्यूशंस को और तीन डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है डिपेंडिंग ऑन कितना सॉल्यूट उसमें प्रेजेंट है। समझ पा रहे हो क्या बोल रहा हूँ, इसको बोलते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन डिपेंडिंग ऑन द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट, कितना सॉल्यूट उसके उस सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट है। इस बेसिस पर देर आर थ्री डिफरेंट क्लासिफिकेशन, तीन टाइप से क्लासिफिकेशन किया जाता है इसका, ठीक है। एक होता है पहला कि द फर्स्ट टाइप इज कि सॉल्यूशन जो है वो सैचुरेटेड है। सेकेंड टाइप जो होता है वो होता है कि सॉल्यूशन इज अनसैचुरेटेड, ठीक है। थर्ड टाइप होता है कि वो सुपर सैचुरेटेड है, ठीक है। देयर आर थ्री डिफरेंट टाइप्स, फर्स्ट वन इज सैचुरेटेड, सेकेंड इज अनसैचुरेटेड, थर्ड इज सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब देखो फर्स्ट टाइप का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक है। इट इज डिफाइंड एज द सॉल्यूशन जिसमें द अमाउंट ऑफ डिसॉल्व्ड सॉल्यूट जो है रिक्वायर्ड फॉर एस्टैब्लिशिंग इक्विलिब्रियम बिटवीन सॉल्यूट एंड अनडिसॉल्व्ड सॉल्यूट। अब मान लो कि आपके पास सॉल्यूशन था एक, ठीक है। अब इसके अंदर में जो मान लो कि सॉल्यूट आपका ए फॉर्म में प्रेजेंट है, अब ये सेम सॉल्यूट जो है वो डिसअपीयर हो रहा है। अब मान लो कि मैंने आपको एग्जांपल दूंगा इसका, मान लो आपने एक ग्लास पानी लिया, अब उस एक ग्लास पानी के अंदर में शुगर जो है वो डिसॉल्व कर दिया आपने। अब एक हद के बाद क्या हो रहा है कि शुगर उसमें और डालने पर मिल नहीं रही है, ठीक है, शुगर जो है वो डिसॉल्व नहीं हो रही, मतलब और आगे मिल नहीं रही है, मतलब अगर आप उसमें शुगर डालोगे आप तो शुगर जो है वो एज अ क्रिस्टल्स के फॉर्म वहाँ पे एग्जिस्ट करेगी बट उसमें मिक्स नहीं होगी। सो दैट लेवल ऑफ सॉल्यूशन, मतलब उस लेवल को जहाँ पे आके और शुगर डिसॉल्व नहीं होती है, इसको हम बोलते हैं सैचुरेशन पॉइंट, ठीक है। अब ये समझ लिया आपने, अब इसको डिफाइन कैसे करते हैं, हाउ यू डिफाइन दिस। सो इट इज़ डिफाइंड एज अ सॉल्यूशन दैट कंटेन जस्ट अमाउंट ऑफ डिसॉल्व्ड सॉल्यूट, मतलब उतना ही सॉल्यूट इसमें होगा जितना रिक्वायर्ड है किस चीज़ के लिए, फॉर एस्टैब्लिशिंग, ताकि वहाँ पे एस्टैब्लिश हो सके इक्विलिब्रियम बिटवीन डिसॉल्व्ड सॉल्यूट एंड अनडिसॉल्व्ड सॉल्यूट, ताकि वहाँ पे सॉल्यूट के बीच में जो है एक इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट हो सके। ओके, एग्जांपल देख लो, इसका भी एग्जांपल समझ आ गया, ठीक है। मान लो शुगर लिया आपने और शुगर प्लस H2O लिया आपने, अभी आपने मिक्स कर दिया इसको, अभी सॉल्यूशन जो है वो शुगर सॉल्यूशन बन चुका है ना। शुगर सॉल्यूशन बनने के बाद में अब इस केस में क्या हो रहा है कि यहाँ पे एक इक्विलिब्रियम आ चुका है, देयर इज इक्विलिब्रियम,
अब इक्वल किसके बीच में है, तो डिसोल्यूशन के बीच में है, मतलब जितना मिक्स करना चाहिए था उसके बीच में, और क्रिस्टलाइजेशन के बीच में यहाँ पे इक्विलिब्रियम आ चुका, मतलब कि जितना अब उसके ऊपर जो भी आएगा वो क्रिस्टल्स के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, अब वो डिसॉल्व नहीं होगा, तो इसका डिसोल्यूशन तो खत्म हो चुका है, अब क्रिस्टलाइजेशन जो है वो शुरू होगा। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ? ठीक है, शुगर डालना शुरू कर दिया आपने, ठीक है, पहले इसमें क्या हो रहा है, डिसॉल्व हो रहा है, ठीक है, दैट प्रोसेस कॉल्ड एज डिसोल्यूशन, ठीक है, वहाँ पर उसका डिसोल्यूशन हो रहा है, ठीक है, डाल देंगे बाद में क्या हो रहा है कि आपने शुगर डालना शुरू किया, कंटिन्यू किया आपने, तो बाद में अब वो डिसॉल्व नहीं हो रहे, अब वो क्रिस्टल्स बन के नीचे रहेगा, तो उस क्रिस्टल्स फॉर्म होने की प्रोसेस का और डिसॉल्व होने की प्रोसेस के जो बीच का पॉइंट जो होता है, दैट इज कॉल्ड एज इक्विलिब्रियम बिटवीन डिसोल्यूशन एंड क्रिस्टलाइजेशन, दैट हैज़ बीन रीच्ड। अब प्रॉपरली जो मॉलिक्यूल्स हैं वो डिसॉल्व हो चुके हैं, और इसके बाद जो मॉलिक्यूल आएंगे वो क्रिस्टल्स के फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे, सो इट इज़ द मिड पॉइंट, ये बीच वाला कहीं का पॉइंट रहेगा, डिसोल्यूशन के बीच का, डिसोल्यूशन के और क्रिस्टलाइजेशन के बीच का एक पॉइंट रहेगा, ठीक है। अब अगर मान लो कि इससे कम मॉलिक्यूल्स गए, इससे अगर कम शुगर आप डाली है, तो इट इज़ कॉल्ड एज अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, इट इज़ कॉल्ड एज अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। अगर मान लो कि इससे ऊपर मॉलिक्यूल्स गए हैं, तो इट्स कॉल्ड एज सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। बस यही चीज़ है। अच्छा, अब यहाँ पे एक और समझते हैं, बिकॉज मेरे ख्याल से आपको डाउट आ रहा होगा यहाँ पे कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सॉल्युबिलिटी, इसको हम कैसे समझ सकते हैं। तो सॉल्युबिलिटी जो होती है, इसको डिफाइन करते हैं कि ये मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट होता है जो रिक्वायर्ड टू बी डिसॉल्व्ड इन द गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। मान लो कि आपने एक सॉल्वेंट ले लिया, अब इसमें आपने डिसॉल्व किया है सॉल्यूट को, ओके, सॉल्युबिलिटी इज़ व्हाट, देखो। अच्छा, यहाँ पे आपको दो बात समझ में आई क्या? पहली चीज़ की वर्ड डिसोल्यूशन क्या होता है, इस वर्ड का आपको समझ में आया, मतलब कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डिसोल्यूशन, एंड द सेकंड थिंग विच आई हैव टोल्ड यू जस्ट कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ये आपको बात पहले समझना पड़ेगा, उसके बाद ही हम आगे बढ़ सकते हैं। देखो, फर्स्ट थिंग इज़ डिसोल्यूशन, इसका मतलब ये होता है कि आप जो ऐड कर रहे हो एनी सॉल्यूट इन सॉल्वेंट, वो उसमें डिसॉल्व हो रहा है, ठीक है, मतलब उसमें मिल रहा है जाके, मतलब घुल जाएगा उसमें, ठीक है। मान लो कि शुगर आपने ऐड किया और शुगर उसमें डिसॉल्व हो गई। अब क्या होता है कि मान लो आपने, ठीक है, पत्थर लिया, ठीक है, आप ठीक है पत्थर डाल रहे हो पानी में, अब वो उसमें कभी मिलेगा नहीं मिलेगा ना, ठीक है, तो डिसॉल्व नहीं होगा, अब वो नीचे आके क्रिस्टल्स के फॉर्म बैठेगा। अब कैसा होता है कि शुगर वाले केस में, जब एग्जांपल हम देखते हैं, व्हेन वी स्टार्ट एडिंग शुगर इन द सॉल्यूशन, व्हाट विल हैपन एट द फर्स्ट, इट विल डिसॉल्व एंड एट देर इज सम पॉइंट वेयर इट विल रीच, कि अब उसके आगे अगर आप डालोगे तो उसमें डिसॉल्व नहीं होगा, और डिसॉल्व नहीं होगा तो क्या होगा, और डालने के बाद में वो क्रिस्टल्स के फॉर्म में ही नीचे आके बैठेगा, एंड दैट इज कॉल्ड एज क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है। अब यहाँ पर आपको बात समझनी है कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सॉल्युबिलिटी। अब सॉल्युबिलिटी जो है बच्चों, ये एक्चुअली क्या होता है ना, ये एक अमाउंट रहता है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल जान लो कि ये डिफाइंड करते हैं इसको कि भाई ये एक फिक्स अमाउंट ऑफ सॉल्यूट है, ठीक है। मान लो कि, अच्छा, इसको डिफाइन कैसे करते हैं, अगर कोई पूछता है आपसे कि व्हाट इज सॉल्युबिलिटी, तो आपका आंसर क्या होगा कि भैया इसका सॉल्युबिलिटी जो है ये कुछ ग्राम पर डीएम क्यूब में है, मतलब ग्राम पर लीटर में, कई बार दिखाते हैं इसको सॉल्युबिलिटी को, या फिर कई बार इसको मोल पर डीएम क्यूब में बोलते हैं, या फिर मोल पर लीटर में डिफाइन करते हैं। तो ऑलमोस्ट जो यूनिट कॉन्सेंट्रेशन का होता है, वही यूनिट सॉल्युबिलिटी का भी होता है, दिस ऑलमोस्ट आर बोथ आर सेम थिंग एज अ यूनिट वाइज, दोनों सेम चीज़ हैं, कॉन्सेंट्रेशन और सॉल्युबिलिटी, बट कॉन्सेप्ट वाइज काफ़ी डिफरेंट चीज़ है, ठीक है। समझ लो, सॉल्युबिलिटी क्या होती है कि ये तो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट रहता है। अब अमाउंट ऑफ सॉल्यूट जो है वो रिक्वायर्ड रहेगा, जिसके लिए अमाउंट ऑफ सॉल्यूट रिक्वायर्ड टू बी डिसॉल्व्ड इन अ गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, आपको एक फिक्स सॉल्वेंट में डिसॉल्व किया आपने सॉल्यूट, और उतने सॉल्यूट को ऐड करने के बाद ये सैचुरेट सॉल्यूशन बन गया, ये सैचुरेट सॉल्यूशन बन गया, दैट अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इज कॉल्ड एज सॉल्युबिलिटी, ठीक है। एक बार दोबारा देखते हैं, सॉल्वेंट था आपके पास में, आपने एक फिक्स अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इसमें ऐड किया, अब उस अमाउंट ऑफ सॉल्यूट को ऐड करने के बाद अब ये सॉल्यूशन जो है वो एक सैचुरेट सॉल्यूशन बन चुका है, तो वो उस अमाउंट को हम डिफाइन करते हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ दैट सॉल्यूट, ठीक है, वो उस सॉल्यूट की वो सॉल्युबिलिटी होती है। समझ में आ गया?
और इसके यूनिट्स क्या होता है, इसके यूनिट्स रहेंगे आपके कि ग्राम पर लीटर में होता है, ठीक है, और कई बार मोल्स पर डीएम के फॉर्म में लिखा होता है। तो दोनों यूनिट्स जो है वो दे आर सेम एज कॉन्सेंट्रेशन, बट नॉर्मली आपको ये मिलेगा मेजरली ग्राम पर लीटर मिलेगा, ठीक है, कई बार ग्राम पर एमएल भी दिया होता है। ओके, इन शॉर्ट में ये अमाउंट ऑफ सॉल्यूट की बात करते हैं। ओके ओके फ्रेंड्स, द नेक्स्ट टॉपिक विच यू आर स्टडी इज सॉल्युबिलिटी। देखा था हमने, देख लिया था कि सॉल्युबिलिटी क्या होती है, एक बार दोबारा डिफाइन करता हूँ। वैसे में सॉल्युबिलिटी जो है, सॉल्युबिलिटी इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट इज रिक्वायर्ड टू बी डिजॉल्व्ड इन एक सॉल्वेंट, मतलब जितना हमें, जितने ग्राम का हमें सॉल्यूट रिक्वायर्ड है जो हम डिजॉल्व करेंगे सॉल्वेंट के अंदर, जिसको डिजॉल्व करने के बाद वो सॉल्यूशन जो बनेगा वो एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन रहेगा। ओके, और इस डिजॉल्विंग के टाइम पे यू नीड कॉन्स्टेंट टेम्परेचर। आई जस्ट वॉन्ट टू लाइक इन शॉर्ट में एक बार दोबारा डिफाइन करता हूँ मैं। सॉल्यूट लोगे, इसका एक अमाउंट रहेगा और यू कैन से क्वांटिटी रहेगी इसकी, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट जिसको ऐड करने के बाद, इसको ऐड करने के बाद ही सैचुरेट सॉल्यूशन में कन्वर्ट रहेगा। और यहाँ पर एक कंडीशन रहेगी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर। बस अभी आगे बढ़ता है क्योंकि बहुत पढ़ लिया इसको अपने बच्चों। क्या होता है कि एक देर इज वन कॉन्सेप्ट दैट इज कॉल्ड एज की इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सॉल्युबिलिटी। टेम्परेचर का इफेक्ट क्या होता है सॉल्युबिलिटी के ऊपर, ये भी एक कई बार इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की तरह एग्जाम में पूछ लेते हैं। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर ऑन सॉल्युबिलिटी, ठीक है, सॉल्युबिलिटी को कई बार एस से भी शो करते हैं। सॉल्युबिलिटी इज डिनोटेड बाय एस मेनी टाइम्स। ओके ओके, तो इसमें कुछ चीज़ें आप समझ लीजिए। द वेरी फर्स्ट पॉइंट इज सॉल्युबिलिटी जो है ये डिपेंड करता है टेम्परेचर पे, और यू कैन से लाइक कि सॉल्युबिलिटी इज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर अगर चेंज होगा तो सॉल्युबिलिटी भी चेंज होगी। ओके अच्छा, अब सेकेंड पॉइंट ये समझ लो कि अगर टेम्परेचर बढ़ेगा, अगर टेम्परेचर अगर आप इंक्रीज करोगे तो सॉल्युबिलिटी जो है वो बढ़ेगी। अब इसको इमेजिन करो और समझने का ट्राई करो कैसे होगा ये। सॉल्युबिलिटी जो है वो डिपेंड करती है टेम्परेचर पे। सॉल्युबिलिटी क्या होती है कि मान लो मैंने एक सॉल्वेंट लिया 100 ग्राम का, अब उसमें 25 डिग्री के ऊपर में 10 ग्राम का सॉल्यूट ऐड कर रहे हैं तो वो सैचुरेट हो जा रहा है। अगर आपने एक सॉल्वेंट लिया है, मान लो इसका वेट है 100 ग्राम का, और इसमें आपने 25 ग्राम का जब सॉल्यूट आप ऐड करोगे तो ये डिसॉल्व हो गया, और डिसॉल्व होने के बाद में ये इसमें सॉल्यूबल हो गया। सॉल्युबिलिटी यानी क्या होती है, जहाँ पर ये ऐड करने के बाद सॉल्यूशन सैचुरेटेड हो चुका है। अब जैसे टेम्परेचर इसका बढ़ेगा, मान लो यहाँ पर टेम्परेचर जो है वो रूम टेम्परेचर है, दैट इज 30 के आसपास कुछ टेम्परेचर है ऐसा मान लेते हैं हम लोग। अब स्टूडेंट्स ये टेम्परेचर जब बढ़ाओगे, मान लो कि ठीक है 40 कर दिया आपने, ओके, तब क्या होता है कि क्योंकि यहाँ सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स ज़्यादा हीट हो रहे हैं, मॉलिक्यूल्स की एनर्जी यहाँ पर ज़्यादा होती है, सो द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट रिक्वायर्ड हियर विल बी मोर देन व्हाट इज रिक्वायर्ड ऑन द लोअर टेम्परेचर। सॉल्यूट जितना रिक्वायर्ड था इसके पहले कम टेम्परेचर पे, उससे ज़्यादा रिक्वायर्ड होगा जब टेम्परेचर बढ़ा दोगे। ओके, अब इसमें एक आप फैक्ट जान लो, मतलब मैं एक फैक्ट शेयर कर रहा हूँ आप लोग के साथ में कि इसके पीछे रीज़न क्या होता है, ठीक है। द रीज़न बिहाइंड इज कि दिस इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ द एक्सपांशन ऑफ होल्स और एम्प्टी स्पेसेस बिटवीन द लिक्विड सॉल्वेंट। इसको मैं ठीक है लिख के दिखाता हूँ आप लोग को। इट इज ड्यू टू बिकॉज ऑफ द एक्सपांशन ऑफ होल्स, इसमें जो होल्स होते हैं सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो गैप होती है वो बढ़ जाती है, और कई बार इसको कॉमनली एम्प्टी स्पेस भी बोलते हैं। एम्प्टी स्पेस जो होता है सॉल्वेंट के बीच का, अगर आपने टेम्परेचर उसका इंक्रीज कर रखा है तो एम्प्टी स्पेसेस बिटवीन द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स इंक्रीजेस। अब क्योंकि उनके बीच में स्पेस बढ़ रहा है तो अब सॉल्वेंट जो डिसॉल्व होंगे वो उसमें डिसॉल्व ज़्यादा होंगे। एंड द फैक्ट विच आई वॉन्ट टू शेयर विद यू गाइज इज जनरली क्या होता है कि अगर आप 10 डिग्री का टेम्परेचर
बढ़ाओगे, ये ठीक है। टोटली एक्सपेरिमेंटली लोगों ने ऑब्जर्व किया है कि एक्सपेरिमेंट करने के बाद ही समझ में आया है, फैक्ट है ये कि जब भी आप 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाओगे तब सॉल्युबिलिटी जो है वो डबल हो जाती है। कितनी रहती है? सॉल्युबिलिटी बिकम डबल्ड। मान लो अगर 30 डिग्री पे 25 ग्राम अगर डिजॉल्व हो रहा था तो 10 ग्राम जब बढ़ाओगे तो उसे 50 ग्राम का डिजॉल्व होगा। समझ रहे हो? सॉल्युबिलिटी जो है वो डबल हो जाती है व्हेन यू इंक्रीज द टेम्परेचर बाई 10 डिग्रीज। ये बात समझ में आ गई? ठीक है, अब क्या होता है समझ लो चीज। डिसोल्यूशन होता है, ठीक है। डिसोल्यूशन जो है बच्चों, मतलब डिजॉल्व होना किसी भी सॉल्यूट का डिजॉल्व होना किसी सॉल्वेंट के अंदर में। डिसोल्यूशन इट कैन बी बोथ काइंड ऑफ प्रोसेस, ठीक है। कई बार ये एंडोथर्मिक रिएक्शन भी हो सकता है। डिसोल्यूशन कैन बी एंडोथर्मिक रिएक्शन इन विच हीट माइट बी एब्जॉर्ब इन दी सॉल्यूशन। हीट शायद से एब्जॉर्ब हो रही। मान लो कि आपने एक शुगर, मतलब कोई सॉल्वेंट सॉल्यूट लिया और किसी सॉल्वेंट के अंदर मिलाया आपने, तो पॉसिबल है कि उस सॉल्यूट को ऐड करने के बाद वहाँ पे हीट बाहर भी निकल सकती है। शायद उसका मतलब टेम्परेचर बढ़ जाए एंड द रिएक्शन माइट बी एक्सोथर्मिक रिएक्शन और माइट बी एंडोथर्मिक रिएक्शन, दोनों पॉसिबल है। सो डिसोल्यूशन कैन बी एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक रिएक्शन, दोनों हो सकता है। अब इसमें क्या होता है ना, कुछ दो चार सॉल्यूट के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। अब क्या होता है कि जैसे कि कुछ सॉल्यूट है, जैसे कि NaBr हो गया, NaCl हो गया और KCl हो गया, ऐसे कुछ और सॉल्यूट जो है, ठीक है। अब मतलब कुछ फेमस एग्जांपल पता होने चाहिए आपको। मैं वो एग्जांपल दे रहा हूँ कि NaBr, NaCl और KCl, दिस काइंड ऑफ सॉल्यूट जो है, इनके मतलब इनके जो सॉल्युबिलिटी में जो इफ़ेक्ट पड़ेगा टेम्परेचर का, दैट इफेक्ट इज़ वेरी लेस, ज़्यादा इफेक्ट नहीं होता है, ठीक है। सो द इंक्रीज इज वेरी स्लाइटली, ठीक है। और यू कैन से कि लेस कर लो, मतलब कि बहुत ज़्यादा सॉल्युबिलिटी बढ़ नहीं जाती है, थोड़ी बहुत बढ़ती है, ज़्यादा नहीं बढ़ती। एग्जाम्पल याद कर लो NaBr, NaCl, KCl। दूसरा एग्जाम्पल देख लो कि NaNO3, KNO3 और KBr। ये एग्जाम्पल तीन याद कर लो कि इन वाले केस में क्या होता है कि जो सॉल्युबिलिटी की वैल्यू जो है वो कई गुना बढ़ जाती है। अब इन सब में से KNO3 जो है, इसकी सॉल्युबिलिटी जो है, इट इज़ यू कैन से कि मतलब कुछ 25-20 ग्राम पर मतलब होती है, और इट इंक्रीज 10 times, ऑलमोस्ट 10 times तक बढ़ जाती है। KNO3 की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो इट इज़ नॉट कॉन्स्टेंट ऑल्सो, बट नॉर्मली ऐसा एज्यूम किया रहता है कि अगर 10 डिग्री बढ़ेगा टेम्परेचर तो सॉल्युबिलिटी जो है वो डबल हो जाएगी, ठीक है। तो इस इन सब केमिकल्स में इंक्रीज जो है वो बहुत रैपिड रहता है, इंक्रीज जो है वो काफ़ी रैपिड रहेगा, रैपिडली इंक्रीज होगा इनका सॉल्युबिलिटी। तो इस तरीके से ये हम मतलब बताना चाह रहे थे कि सॉल्युबिलिटी क्या होती है, और ठीक है, इस तरीके से कॉन्सेप्ट थी। अब इसके बाद में हम लोग जान लेते हैं कि अगली कॉन्सेप्ट क्या है। द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज, यू कैन से क्या क्या पढ़ा हमने अभी तक, तो नेक्स्ट पढ़ लेते हैं सॉल्युबिलिटी इन गैसेस, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो है दैट इज सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड्स। गैसेस जो हैं वो लिक्विड में कैसे सॉल्युबल होंगी। अब इस वाली कॉन्सेप्ट में आपको कुछ 3-4 पॉइंट समझने। लेट्स अज्यूम सब समझते हैं पॉइंट्स, स्लो स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। देखो फर्स्ट पॉइंट क्या होता है बच्चों कि गैसेस जो है ना, गैसेस सोल्यूबल होती हैं ऑलरेडी। दीज आर सोल्यूबल ऑलरेडी इन वाटर। किसमें? पानी के अंदर गैसेस जो है वो ईजिली सोल्यूबल रहती हैं, और मतलब बाकी लिक्विड्स के अंदर भी, ठीक है। ऑल्सो इन दी अदर लिक्विड ऑल्सो, बाकी लिक्विड्स के अंदर अगर आप किसी गैस को अगर डिजोल्व करोगे तो अपने आप डिजोल्व हो जाएगी। और ये सब डिपेंड किस पर करता है कि नेचर ऑफ गैस क्या होगा। समझ पा रहे हो बात को? गैसेस जो हैं वो डिसॉल्व करती हैं पानी में और अदर लिक्विड्स में, और ये सब डिपेंड करेगा कि गैस का नेचर कैसा होता है, ठीक है। अब समझते हैं डीप में इसका मतलब क्या हुआ। तो जैसे कुछ मॉलिक्यूल जो होते हैं, मतलब गैस के कुछ मॉलिक्यूल होते हैं नॉन पोलर रहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लो कि O2 जो है,
तो अब क्योंकि ये गैस ऑलरेडी नॉन पोलर है, अब मान लो इसका मतलब क्या हुआ कि ऑक्सीजन की डबल बॉन्ड यहाँ पर रहेगा, अब इसके पास भी इलेक्ट्रॉन्स, अच्छा देखो ऑक्सीजन के पास आउटर मोस्ट शेल में दो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं 6, ठीक है। अब दो यहाँ शेयर कर दिए, दो यहाँ हो गए और दो यहाँ बचेंगे। अब दोनों के पास कहीं भी चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो ये इसको बोलते हैं नॉन पोलर मॉलिक्यूल। देर इज मतलब अब इलेक्ट्रॉन्स किस तरफ जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स का शिफ्टिंग कब होता है, इलेक्ट्रॉन्स पोल्स कब फॉर्म करते हैं, जब उन्हें कोई एक एटम जो है उसमें ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव मिल जाएगा तो उसकी तरफ इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएंगे। अगर एटम इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इलेक्ट्रॉन्स को पुल कर लेता है वो, एंड इट विल मेक दी मॉलिक्यूल पोलर, वो मॉलिक्यूल को पोलर कर देगा। बट क्योंकि ये नॉन पोलर है, बिकॉज यहाँ पर कहीं भी डिफरेंट मॉलिक्यूल्स नहीं, दिस बोथ एटम और ऑक्सीजन के एटम दोनों भी, तो अब यहाँ पर चार्ज सेपरेट कैसा होगा, नहीं हो पाएगा। तो ऐसे मॉलिक्यूल जो होते हैं ये, इनको भी नॉन पोलर सॉल्वेंट ही चाहिए। नॉन पोलर मॉलिक्यूल को ये मतलब डिजॉल्व नहीं हो पाते नॉन पोलर में। तो दिस नॉन पोलर मॉलिक्यूल हैव लेस सॉल्युबिलिटी, इनकी सॉल्युबिलिटी जो है वो कम होती है, सॉल्युबिलिटी इज लेस इन पोलर सॉल्वेंट। मैं ज़रा इस पॉइंट्स को ज़रा और एक्सप्लेन करता हूँ ताकि समझ में आ जाए। देखो मान लो आपके पास एक सॉल्वेंट है, ठीक है। अब ये जो है पोलर है, मान लो कि इसमें सॉल्वेंट जो है वो आपका ए बी सॉल्वेंट, मान लो कि जैसे कि H2O, मान लो H2O इज अ पोलर मॉलिक्यूल, जानते हो आप लोग H2O जो है वो एक पोलर मॉलिक्यूल है। अब H2O में क्या होता है कि एक इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट है H हाइड्रोजन, जो इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करता है, और इसमें एक एटम ऑक्सीजन का जो इलेक्ट्रोनेगेटिव है, जो एटम इलेक्ट्रॉन्स को पुल करता है, अपनी तरफ खींचता है। अब इसमें इलेक्ट्रॉन ये खींच रहे हैं तो इस पे आ जाएगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन्स को जो खींचेगा उस पे आएगा नेगेटिव चार्ज, और जो डोनेट करेगा उस पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, इस पर भी आएगा पॉजिटिव चार्ज। सो द मॉलिक्यूल्स बिकम पोलर। अब यहाँ पे चार्ज क्रिएट हो चुका है, देर आर डेवलपमेंट ऑफ पार्शियल चार्जेस, इस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ चुका है ऑक्सीजन पे, एंड द हाइड्रोजन गॉट पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। नाउ दिस वे, अब मान लो कि इस मॉलिक्यूल में अब कोई चीज़ कहीं पर डिजॉल्व की होती है क्योंकि वो अट्रैक्ट करती है, ठीक है। ये पॉजिटिव चार्ज था, इस पर पॉजिटिव चार्ज था, इस पर था नेगेटिव चार्ज था। अब ऑक्सीजन मॉलिक्यूल अगर बगल में कहीं पे आता है इसके, अब इस पर तो कोई चार्ज है ही नहीं, ऑक्सीजन इस पर चार्ज नेगेटिव था। अब जैसे ही इसके नेगेटिव वाले चार्ज वाले पोल के सामने जब कोई पॉजिटिव चीज आएगी तो उसको अट्रैक्ट करेगा वो, लेकिन यहाँ पर कोई चार्ज नहीं है। सो देयरफॉर सॉल्युबिलिटी कम होती है, डिजॉल्व नहीं हो पाते। अगर मान लो कि आपने एक दूसरा पोलर मॉलिक्यूल डाल दिया, मान लो ए में पॉजिटिव चार्ज था, बी में नेगेटिव चार्ज था, अब मान लो एक और मॉलिक्यूल आ गया जो सी डी है, अब सी मान लो कि नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, तो सी जो है टुवर्ड्स बी अट्रैक्ट होगा और दोनों बॉन्डिंग फॉर्म कर लेंगे एंड दे विल बिकम सोल्यूबल, वो उसमें सोल्यूबल हो जाएगा। सो देयरफॉर ऐसे नॉन पोलर मॉलिक्यूल जो है ये सोल्यूबल कम रहते हैं पोलर सॉल्वेंट के अंदर। अगर आपका सॉल्वेंट पोलर है तो उसके अंदर में एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल कम सोल्यूबल रहेगा, ओके। अब थर्ड गैस देखते हैं। अब मान लो कि कुछ पोलर गैसेस होती है, देर आर सम मॉलिक्यूल इन गैसेस फेजेस विच आर पोलर, जैसे फॉर एग्जांपल CO2 हो गया, ठीक है, CO2 पोलर है, अमोनिया पोलर है, HCl भी गैस फॉर्म में रहता है नॉर्मली, वो भी पोलर रहता है। तो ये सब पोलर गैसेस होती हैं और ये ज़्यादा सोल्यूबल रहेंगे, दीज आर मोर सोल्यूबल। अभी देखा अपन ने, अगर आप एक पोलर पे, अगर आप पोलर सॉल्वेंट के अंदर अगर पोलर मॉलिक्यूल डालोगे तो उसमें ज़्यादा सोल्यूबल होगा। सो दीज आर मोर सोल्यूबल इन पोलर सॉल्वेंट, ठीक है। पोलर सॉल्वेंट में सोल्यूबल ज़्यादा होते हैं, और पोलर सॉल्वेंट का एग्जाम्पल अगर चाहो तो आप वाटर भी नोट कर सकते हो, पोलर सॉल्वेंट का एग्जाम्पल होता है H2O, ओके। अब सोल्यूबल कैसे होगा, ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। ये फोर्थ पॉइंट शायद लंबा खींचेगा अपना, नीचे रहेगा। अब मान लो कि आपने CO2 को डिसॉल्व कर दिया वाटर के अंदर में, तो बच्चों ये क्या होता है ना, ये एक मतलब ये डिसॉल्व, ये सोल्यूबल ज़्यादा होते हैं, इसका प्रूफ क्या होता है, क्योंकि जैसे ही इसमें रिएक्ट करेगा तो इट विल फॉर्म सम कंपाउंड कॉल्ड एज H2CO3, अच्छा इसका नाम होता है कार्बोनिक एसिड। और दूसरा मान लो कि अगर आपने मान लो कि अमोनिया लिया, ठीक है, पानी में आपने ऐड कर दिया, तो इट विल फॉर्म NH4OH। तो इस तरीके से सीधे लोग कंपाउंड फॉर्म कर लेते हैं, एंड वेन यू ऐड अ सॉल्यूट एंड इट विल फॉर्म अ कंपाउंड, वो अंदर जाके कोई कंपाउंड फॉर्म कर लेगा, इट मीन्स दैट कि वो अंदर डिजॉल्व हो चुका है, इट हैज़ बीन डिजॉल्व प्रॉपरली और वो सॉल्यूबल है उसमें।
सो दिस वी कैन से दैट कि पोलर गैसेस अगर लोगे तो पोलर गैसेस पोलर सॉल्वेंट के अंदर सॉल्यूबल ज़्यादा होंगे, नॉन पोलर जो है वो पोलर में सॉल्यूबल कम होंगे। ठीक है, अब इसको समझते हैं। ठीक है, अब सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस, तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस जो है किसमें, तो लिक्विड के अंदर में, तो लिक्विड के अंदर में बढ़ जाती है जब प्रेशर बढ़ता है। समझ लो, अगर मान लो कि आपने एक गैस लिया, ठीक है, उसको ठीक है आप मतलब मुंह से फूंक के उसको आप डिजोल्व कर रहे हो पानी के अंदर में, और आपने एक बहुत ही फोर्सफुल पाइप से गैस लिया और आप उसको डिजोल्व कर रहे हो पानी के अंदर में, तो डिजोल्व कौन सा अच्छा होगा, सोल्यूबल कौन सा अच्छा होगा, जो आप प्रेशर से करोगे वाला ऑब्वियसली। तो जैसे प्रेशर बढ़ाओगे आप तो गैसेस सोल्यूबल ज़्यादा होंगी सॉल्वेंट के अंदर में। ठीक है, ये प्रेशर की बात कर ली। एंड वैन यू इंक्रीज टेम्परेचर, मान लो अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो सॉल्युबिलिटी क्या होती है, देखो सुनो, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस ये इंक्रीज करेगी। ठीक है, ये इंक्रीज करेगी अगर प्रेशर बढ़ेगा तो, और अगर आप मान लो कि आपने अगर उसका टेम्परेचर बढ़ा दिया तो सॉल्युबिलिटी जो है वो डिक्रीज कर जाती है, सॉल्युबिलिटी जो है वो डिक्रीज करेगी। समझ में याद रहेगा, अभी सॉल्युबिलिटी बढ़ती है प्रेशर के साथ, सॉल्युबिलिटी कम होती है टेम्परेचर के साथ में। अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड डिक्रीजेस। गैस के मॉलिक्यूल अगर मान लो कि आपने एक गैस को डिसॉल्व किया लिक्विड के अंदर में जहाँ पर 10 डिग्री टेम्परेचर था, और मान लो आपने गैस को डिसॉल्व किया मतलब गैस को डिसॉल्व किया आपने एट हाई टेम्परेचर 20 डिग्री पे, तो यहाँ पर सॉल्यूबल ज़्यादा होगा। अब यहाँ आप उसको हीट कर रहे हो, मॉलिक्यूल दूर जा रहे हैं, तो यहाँ सॉल्यूबल कम होगा। ठीक है, इन केस ऑफ लिक्विड्स इट वाज डिफरेंट, ठीक है, अलग चीज़ था, लेकिन गैस में क्या होता है, अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो सॉल्युबिलिटी कम होती है गैस के लिए। ठीक है, इतना समझ में आ गया। ओके, तो इतना हो गया। अब इसके बाद एक बार देख लेते हैं, थोड़ा मैं इस पॉइंट को और एक्सप्लेन करता हूँ कि प्रेशर से इसका क्या मतलब होगा। देखो, सी सिंस गैसेस जो है वो कंप्रेसिबल रहते हैं, है ना, मान लो कि आपके पास में एक देखो क्या, इन केस ऑफ ऑल द लिक्विड स्टेट्स, ऑल दी स्टेट्स ऑफ मैटर, अगर आप सॉलिड्स की बात करो, लिक्विड्स की बात करो, गैस की बात करो, तो गैसेस जो हैं दीज आर लाइक हाईली कंप्रेसिबल। गैसेस जो हैं इसको आप मतलब प्रेस करके उसका वॉल्यूम कम कर सकते हो। इन केस ऑफ सॉलिड्स एंड लिक्विड्स वी एज्यूम दैट की कंप्रेसिबिलिटी कम होती है, मतलब सॉरी मतलब अगर मान लो कि आपने, मुझे कोरोना नहीं है, ठीक है, डोंट वरी, चिंता मत करो, आई डोंट हैव कोरोना। मान लो अगर आपने अगर सॉलिड्स को और लिक्विड्स को कंप्रेस किया तो उसमें वॉल्यूम में चेंज नहीं आता है। अगर आपने एक लीटर का सॉलिड लिया, उसको कंप्रेस करो तो दबेगा ही नहीं आपसे, ठीक है, लोहा ले लो आप एक लीटर का, उसका वॉल्यूम 1 लीटर का होगा, कंप्रेस करने में वॉल्यूम कम नहीं होगा उसका। और वी एज्यूम दैट, मतलब केमिस्ट्री में हम ऐसा एज्यूम करते हैं, आइडियली ऐसा माना जाता है कि लिक्विड्स का वॉल्यूम भी ऑलमोस्ट सेम रहता है। ठीक है, मतलब अगर बहुत करोगे तो हो ही जाएगा, अगर आपने बहुत प्रेशर लगा दिया तब तो कंप्रेस होगा ही ऑब्वियसली, शायद मतलब तो मॉलिक्यूल्स भी टूट जाए उसके बहुत प्रेशर लगाने के बाद में। बट व्हाट वी एज्यूम कि कंप्रेसिबिलिटी गैसेस के लिए होती है, गैस के मॉलिक्यूल कंप्रेस हो सकते हैं। तो जब हम बात करते हैं कि दो कंडीशन है, एक कंडीशन में प्रेशर कुछ कम प्रेशर लगा है, मान लो कि P1 यहाँ लगा है और P2 यहाँ पे लगा है, प्रेशर लगा है, दो अलग अलग तरीक़ों से हम गैस को कंप्रेस करवा रहे हैं, एंड वी नो दैट कि P2 इज़ मोर देन P1। सेकेंड केस में ज़्यादा प्रेशर लग रहा है एज़ कम्पेयर टू फर्स्ट कंडीशन। अब मान लो कि हमें चेक करना है कि किस वाली कंडीशन में गैस जो है वो सॉल्वेंट के अंदर में, लिक्विड सॉल्वेंट के अंदर में सॉल्यूबल ज़्यादा होगी, हमें चेक करना है। सो वी नो दैट कि यार गैसेस मॉलिक्यूल जो है वो कंप्रेसिबल रहते हैं और उनकी जो सॉल्युबिलिटी है लिक्विड में वो बहुत हद तक डिपेंड करती है उनके प्रेशर के चेंजेस के ऊपर। जैसे ही बाहर का प्रेशर बढ़ेगा सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इंक्रीज करेगी अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो। ठीक है, देखो मैं फिर से बार एक्सप्लेन करता हूँ, सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है अगर कांस्टेंट टेम्परेचर रहेगा तो। ठीक है, टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं करना है यहाँ पे, समझ में आएगा आप लोग को। ओके, तो अभी इसके बाद हेनरीज लॉ चालू करते हैं कि नेक्स्ट क्लास में करते हैं, टाइम कितना हो गया। ओके, काफ़ी समय हो चुका है। सो गाइज, थैंक यू सो मच। ठीक है, अगली क्लास में हम लोग हेनरीज लॉ पढ़ने वाले हैं।
हेनरीज लॉ काफ़ी इम्पोर्टेंट है इसके हिसाब से, और इसमें हेनरीज लॉ के ऊपर काफ़ी क्वेश्चन बन जाते हैं, जैसे कि मान लो कि डिफाइन हेनरीज लॉ, ठीक है, इस तरीके से मतलब उस पर क्वेश्चन कुछ न्यूमेरिकल से पूछ लेते हैं, क्योंकि हेनरीज लॉ जो है वो सॉल्युबिलिटी के बारे में, और हेनरी लॉ कॉन्स्टेंट जो होता है, एक बार मैं शॉर्ट में दिखा देता हूँ कि हेनरी का लॉ होता है कि एस प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, जितना प्रेशर लगाओगे उतना ज़्यादा सोल्यूबल रहेगा एक गैस, अभी देखा अपन ने जितना प्रेशर लगाओगे उतना सोल्युबिलिटी बढ़ जाती है, तो ये हेनरी का लॉ था, इसको हम आगे बढ़ेंगे और क्लास में डिटेल में। आई वॉन्ट यू गैस टू बी लाइक स्टडी प्रॉपरली, ध्यान से पढ़ाई करो बच्चों, और ज़्यादा वीडियोज़ को शेयर करो, ठीक है, फिर से अभी बोलना चाहता हूँ, हिट लाइक और क्या होता है, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, ओके, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।